सम्मानित करें तरीके से करेंगे, ऐसे मत करो प्लीज, ये जल्दबाजी मत करो। राजवीर जी कैसा लग रहा है आपको आज भारी भरकम भीड़ देखकर? बड़ी खुशी हो रही है आज भीड़ को देख करके, जो इतनी भीड़ तो शायद आपने भी कभी हल्का गौरव तो नहीं देखी होगी। अब कुछ युवाओं को कुछ बुजुर्गों को ये कहते सुना कि सरकार ने अपनी जो नीयत है वो लोगों के सामने जो है प्रकट कर दी है आपका हेलीकॉप्टर रोककर। नहीं नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना हूँ, वो करने वालों का वो करते रहेंगे, हमारा जो कार्यक्रम है वो ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही हमारे जो नौजवान साथियों की टीम है ये और भी चार चांद लगाने का। हमारी बहन बेटियों की मन है उसमें कोई, हम कोई पैसा थोड़ी ले रहे हैं, कोई किराया थोड़ी ले रहे हैं, वो तो फ्री बस सेवा है, अगर किसी को चलानी है तो फ्री चलाए बहन बेटियों के लिए, कौन मना कर रहा है। ये तो सरकार का काम है सर, रोडवेज बसें उपलब्ध करवाना। बिल्कुल सरकारों का काम होता है वो, चाहे कोई खेल स्टेडियम की बात हो, चाहे कोई बस चलाने की बात हो या कोई और दूसरी सुविधाएं हो। तो जो युवा जो पब्लिक से जो प्यार मिल रहा है आपको, आप संतुष्ट हैं आज की रैली देखकर? तो उसका तो कोई शब्द मेरे पास नहीं है कि मैं किस तरह से हमारे नौजवान साथियों का धन्यवाद करूं कि एक थोड़े से ढाई साल के अरसे में इतनी बड़ी फौज खड़ी हो गई है, अपने आप को राजवीर फ्रंटिया समझ करके नौजवान साथियों ने कंधे से कंधा मिला चुके दो साल में। तो चुनाव में सब कुछ आपके साथ रहेगा? चुनाव का कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरे लिख रखे हैं, वो तो चुनाव ढाई साल बाद आएंगे, उस टाइम सबसे सलाह ली जाएगी, सबसे करके आगे चुनाव के टाइम में चुनाव के टाइम देखा जाएगा। और क्या कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से आज हमारे समाज के जो कार्य थे और उनमें चाहे वो बहन बेटियों की बात थी, चाहे नौजवान साथियों की बात थी, और नौजवान साथियों ने उस पर मोहर लगाई आज, और हमारी राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा पहला ये सम्मान समारोह था और ये सम्मान समारोह न रह करके एक बहुत बड़ा रैला बन गया। तो इस रैले के लिए मैं पूरे हल्का के हमारे बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि किस तरह से उन्होंने एक ताकत दिखाई है। चेयरमैन साहब, एक आरोप लगाया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि भी सम्मान समारोह है ना पशु मेला जो है भिवाड़ी में उसको फ्लॉप करने के लिए सम्मान समारोह किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसके? हम इस बारे में वो तो जो कहने वाले हैं उनकी सोच होगी, ये सम्मान समारोह है, फैल को क्या फैल करोगे, वो तो फैल तो है ही, उनको फैल क्या करोगे, इससे ज्यादा और क्या फैल होंगे। आज के टाइम में तो किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, तो इससे फैल तो कोई मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। क्या आप जेपी दलाल को टक्कर देने वाले? मैं किसी को टक्कर देने वाला नहीं हूँ, मैं समाज के जितना भी मेरे से हो पा रहा है वो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई गोपाल दया, आज को देखते हुए लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन तय है? आज के देखते हुए लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन तय है? परिवर्तन तय, ये तो निश्चित है कि परिवर्तन तय। तो ऐसा लग रहा है हल्का लुहारू में ऐसा माहौल बन गया है, और जब मैं गांव में जाता हूं तो कई नौजवान साथी या हमारे बुजुर्ग पूछते हैं कि चेयरमैन साहब कई दिन में वोट पड़ेंगे? तो परिवर्तन तो वो तो इंतजार है, लोहा तो पूरा गर्म है लेकिन अब बस चोट मारने की देरी है।